हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा गोयल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। हम लोग पढ़ रहे थे बीए सेकंड ईयर के सेकंड पेपर भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय शासन अधिनियम 1919। वस्तुतः 1919 का अधिनियम भारतीय जनता की उत्तरदायी शासन की मांग और ब्रिटिश शासन की कम से कम सत्ता हस्तांतरण की इच्छा के बीच समन्वय था। इस व्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य यह था कि कुछ विषयों में भारतीयों को प्रांतीय क्षेत्र में उत्तरदायी सरकार प्रदान की जाए। द्वैत शासन का आंग्ल पर्यायवाची शब्द डायर की दो ग्रीक शब्दों डाई और आर की से बना था, जिसका तात्पर्य क्रमशः दोहरे और शासन से था। इस प्रकार द्वैत शासन का अर्थ हुआ दोहरा शासन। 1919 के अधिनियम की पृष्ठभूमि में द्वैत शासन का अर्थ था कि प्रांतीय शासन दो क्षेत्रों में विभाजित हो और इन दोनों क्षेत्रों का प्रशासन दो ऐसे पदाधिकारियों द्वारा किया जाए जिनके स्वरूप और उत्तरदायित्व में विभिन्नता हो। इस प्रकार 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय क्षेत्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। इसके लिए प्रांतीय विषयों का रक्षित विषय और हस्तांतरित विषयों में विभाजन किया गया। 1 अप्रैल 1921 से भारत के 8 प्रांतों बंगाल, बिहार, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में द्वैत शासन को लागू किया गया। 1932 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी इसे लागू कर दिया गया और इस प्रकार 16 वर्ष तक यह प्रयोग किया गया। लेकिन द्वैत शासन को प्रारंभ से ही विरोध का सामना करना पड़ा और इस प्रयोग को वांछित सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब हम देखेंगे द्वैत शासन की असफलता के कारण। 16 वर्षों के इस प्रयोग ने स्पष्ट कर दिया कि द्वैत शासन की योजना में कुछ ऐसे अंतर्निहित दोष हैं कि यह योजना सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकी। अतः 1935 के अधिनियम द्वारा द्वैत शासन का अंत कर प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। यद्यपि कूपलैंड जैसे ब्रिटिश लेखकों ने द्वैत शासन की असफलता का उत्तरदायित्व कांग्रेस तथा उसके ही एक अंग स्वराज्य दल पर डालते हुए लिखा है कि स्वराज्य दल की अड़ंगा नीति ने निरंतर गतिरोध उत्पन्न किया जिससे यह प्रयोग असफल रहा, लेकिन कूपलैंड और अन्य ब्रिटिश लेखकों का यह आरोप अधिकांश अंशों में सत्य नहीं है। वास्तव में द्वैत शासन की योजना ही सैद्धांतिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण थी। इसकी असफलता के लिए प्रमुख रूप से योजना में अंतर्निहित दोष ही उत्तरदायी थे। योजना में दो प्रकार के दोष हम देख सकते हैं, एक अंतर्निहित दोष और दूसरी अन्य परिस्थितियां। आज हम चर्चा करेंगे योजना में अंतर्निहित दोष। पहला दोष रहा इसमें, यह सिद्धांतत है दोषपूर्ण थी। एक ही प्रांत की शासन व्यवस्था को दो भिन्न और दो अलग अलग प्रकृति की शक्तियों के अधीन कर देने से शासन में गतिरोध उत्पन्न होना नितांत स्वाभाविक था। शासन में एक आंगिक एकता होती है और इसके विपरीत अंग पारस्परिक निर्भरता और सहयोग के आधार पर ही अपना कार्य करते हैं। लेकिन द्वैत शासन की योजना राजनीतिक सिद्धांत तो व्यवहार के इस मूल विचार के ही विरुद्ध थी। उदाहरण के लिए पंजाब के सिख गुरुद्वारा आंदोलन की स्थिति का सामना शांति और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी सदस्य द्वारा ठीक प्रकार से नहीं किया जा सकता था, जब तक कि धार्मिक कोष से संबंधित मंत्री द्वारा आवश्यक व्यवस्थापन नहीं किया जाए। शासन के दोनों क्षेत्रों के बीच सहयोग के अभाव के कारण शासन में एक रूपता संभव नहीं थी। दूसरा कारण रहा विषयों का अतार्किक और अव्यवहारिक विभाजन। 1919 के अधिनियम द्वारा दो सत्ताओं के बीच विषयों का जो विभाजन किया गया था वह इतना बेढंगा था कि उससे अधिक अतार्किक और अव्यवहारिक विभाजन की कल्पना नहीं की जा सकती। सर वी के रेड्डी, जो मद्रास के भूतपूर्व मंत्री थे, उन्होंने कहा, मैं वन के बिना विकास मंत्री था, मैं सिंचाई के बिना कृषि मंत्री था, कृषि मंत्री के रूप में मेरा मद्रास के कृषकों के ऋण कानून या भूमि के विकास संबंधी ऋण कानून से कोई संबंध नहीं था, अकाल पीड़ितों की सहायता से भी मेरा कोई संबंध नहीं था। सिंचाई, कृषि ऋणों, भू सुधार ऋणों और अकाल सहायता विभाग पर बिना किसी प्रकार के नियंत्रण के कृषि मंत्री की कार्यक्षमता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। इसके पश्चात में उद्योग मंत्री हुआ, परंतु कारखाने, बिजली, जल शक्ति, खनिज पदार्थ और श्रम मेरे अधीन नहीं थे, ये सब रक्षित विषय थे। नंबर 3, गवर्नर की
स्वेच्छाचारी शक्तियाँ। हस्तांतरित क्षेत्र में उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए आवश्यक था कि गवर्नर इस क्षेत्र में एक वैधानिक प्रधान ही रहे, लेकिन 1919 के अधिनियम द्वारा उसे मंत्रियों को नियंत्रित करने और मंत्रियों के प्रस्तावों को अस्वीकार करने की शक्ति प्रदान की गई। यदि वह यह समझता कि इन प्रस्तावों को स्वीकार करने के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं, व्यवहार में गवर्नरों द्वारा विशेष परिस्थितियों के लिए प्रदान की गई इन शक्तियों के आधार पर मंत्रियों के कार्य में अत्यधिक हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। नंबर 4, हस्तांतरित क्षेत्र के लिए पृथक वित्त व्यवस्था नहीं। प्रांतीय शासन को रक्षित और हस्तांतरित दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया था, लेकिन दोनों के लिए पृथक पृथक वित्त की व्यवस्था नहीं की गई थी। वित्त एक रक्षित विषय था और संपूर्ण वित्त कार्यकारिणी परिषद के एक सदस्य के ही हाथ में रहता था। ऐसी स्थिति में, जैसा कि चिंतामणि ने लिखा, वित्त सदस्य निश्चित रूप से यह चाहता था कि हस्तांतरित विभागों को अपनी जरूरत का धन प्राप्त होने के पहले उसके रक्षित विभागों की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। वास्तव में आर्थिक शक्ति के बिना मंत्रियों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। नंबर 5, मंत्रियों का सेवाओं पर नियंत्रण नहीं। उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए आवश्यक था कि विभाग के स्थायी पदाधिकारी पूर्णतया संबंधित मंत्री के अधीन हों, परंतु द्वैत शासन प्रणाली के अंतर्गत यह स्थिति नहीं थी। मंत्रियों के अधीनस्थ विभागों में जो स्थायी प्रमुख होते थे, उनमें से अधिकांश भारतीय नागरिक सेवा के सदस्य होते थे और 1919 के अधिनियम के अधीन इन सेवाओं के अधिकारों और प्राधिकारों की रक्षा करना गवर्नर का कर्तव्य ठहराया गया था। व्यवहार में इसका अभिप्राय यह हुआ कि स्थायी पदाधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति पर गवर्नर का नियंत्रण होता था, न कि उस मंत्री का जिसकी अधीनता में वे कार्य करते थे। उत्तरदायी शासन की भावना के प्रतिकूल इससे बढ़कर और कौन सी बात हो सकती थी। नंबर 6, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अभाव। सामूहिक उत्तरदायित्व के अभाव में भी उत्तरदायी शासन सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि गवर्नर मंत्रियों को किसी दलीय आधार पर नियुक्ति नहीं करता था, अतः मंत्री एक दल के ना होते थे और इस प्रकार संयुक्त उत्तरदायित्व का अभाव रहता था। कभी कभी गवर्नर दो विरोधी दल के लोगों को मंत्री बना देता था, जिससे वे एक टीम के रूप में कार्य नहीं कर सकते थे और परस्पर विरोधी विचार व्यक्त करते थे। नंबर 7, विधान परिषदों का दोषपूर्ण गठन। उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए विधान परिषदों में संगठित दलों का होना भी आवश्यक था, लेकिन इन परिषदों में संगठित दलों की स्थापना की तनिक भी संभावना नहीं थी। प्रांतों में जो विधान परिषदें बनाई गईं, उनका ढांचा अत्यंत दोषपूर्ण था। उसमें लगभग 80% सरकारी या सरकार द्वारा नामजद गैर सरकारी सदस्य थे। जो सदस्य निर्वाचित थे, वे भी विशेष परिषदों की इस दोषपूर्ण रचना के कारण विधान परिषद में मंत्रियों की अपेक्षा गवर्नर को ही अधिक प्रभाव प्राप्त होता था और मंत्री अपने अस्तित्व के लिए गवर्नर पर ही निर्भर हो जाते थे। यह बात उत्तरदायी शासन के मूल विचार के विरुद्ध थी। ये थे कुछ आंतरिक सिद्धांतपूर्ण कारण जिनके कारण से द्वैत शासन प्रणाली असफल रही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कुछ अन्य बाहरी परिस्थितियों के बारे में। धन्यवाद।